हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको टाइपिंग की आंसर। देखिए, बहुत ही ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आ गए थे जिसमें कि ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। और बाकी टाइपिंग के जो उंगली के पोजीशंस वगैरह के क्वेश्चंस भी पहले ही बता चुका हूँ, वीडियोस को आप देखें। और मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों को, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट उस बुक से आए हैं जो बुक मैंने प्रिफर किया था। मैंने बताया हुआ है जो मेरी बुक्स फॉर पंचायत सचिव एग्जाम, उसमें टाइपिंग की बुक जो बहुत ली है, लिंक भी दिया हुआ था, उस बुक से करीब करीब 70-80% जितने भी लाइन स्पेस कितना छोड़ना है, ठीक है, कॉमा वर्क के बाद कितना स्पेस छोड़ना है, चाहे डैश वगैरह जो भी आया हुआ है, वो उस बुक से ही आया है। पूजा कंप्यूटर्स का जो मैंने बुक बताया था, उसको मैं विद प्रूफ, और एक न्यू वीडियो कल आने वाली है दोस्तों चैनल पर, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा, कॉमा से लेकर एक्सक्लेमेशन जितने भी साइंस होते हैं, स्पेसिंग का हो गया है और बेसिक रूल्स भी, और मैं ऐड करूंगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहे, इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें और आंसर की को आप जानना शुरू करेंगे। और हाँ, अगर टाइपिंग के बाकी फिंगर पोजिशंस और भी जो बेसिक्स हैं पार्ट टू पार्ट सेवन, वो सब अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल्ट प्लस 135, ये 5 लिखा हुआ है। 97 नंबर में फॉ की बात कर रही है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है, लिटिल उंगली के शिफ्ट के ऊपर वाली बात। फिर हो जाएगा आपका अल्प विराम कॉमा के बाद कितने स्पेस की बात की जा रही है, यहां पर स्पेस की बात है, तो ये एक स्पेस इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे अपना, यहां पर एक स्पेस आंसर होगा इसका। अगर उसके बाद हम बात कर लें 99 नंबर क्वेश्चन की, तो 99 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर की की बटन की बात हो रही है ना, इसमें कितने की बटन आएंगे, तो इसका आंसर होगा आपको 7, ठीक है, देख लेंगे। चलिए उसके बाद अगर हम चलते हैं तो 100वें नंबर क्वेश्चन पे, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, तो इसका आपको हो जाएगा स्ट्रोक, कितने स्ट्रोक गिनने के लिए बात हो रही है ना, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको कंफ्यूजन है दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं हूं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर गलत बताना ठीक नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, फुल स्टॉप और पूर्ण विराम वगैरह में कितने स्पेस छोड़ने चाहिए, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1 स्पेस, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में इसमें भी देखिए कंफ्यूजन बहुत जगह पाया जा रहा है, ये पहले क्या था, पहले दूसरा था, लेकिन मॉडर्न हिंदी का जो अभी ग्रामर है उसमें देखा जाता है, चाहे आप गूगल भी कर लो, तो उसमें 11 आंसर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 11 ही होगा, आप देखना है जैसे इसी आंसर क्या निकालती है दोस्तों। और अगर आपको लगता है इसमें कोई भी आंसर चेंजेस है या कुछ दूसरे हैं, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके बाद इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको, जिस पद्धति के टाइपिंग में कितना समय लगता है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 1। उसके बाद आपको इसका ऑप्शन करीब कोई क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑल्ट की कोर्स मेरे वही ऑल्ट वाले की वाले वीडियो से आप देख सकते हैं, बाकी किसी वीडियोस को देखो आप। 106 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। 107 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 108 नंबर की बात कर लें तो ये ऑप्शन बी मेरे को लग रहा है एंड सी भी लग रहा है, इसलिए वजह से मैं डी बताऊंगा आपको, ऑप्शन डी हो सकता है इसका सही उत्तर। अगर बात कर लें क्वेश्चन नंबर 109 की, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है, रास है, आप करके देखना कीबोर्ड से, मेरे इंग्लिश मैंने बताया हुआ है तो उसको इंग्लिश हिंदी को हिंदी कन्वर्ट कर लोगे तो मिल जाएगी आपको आंसर। 111 नंबर है, तो देखिए इसमें मुझे कंफ्यूजन है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसमें चांसेस होने के, जैसे कि चार्ल्स मैकगुनियन और थॉमस एडिशन कम चांसेस, चार्ल्स मैकगुनियन होने के चांसेस है, बट मैं इसे कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। 112 नंबर में अंतर्देशीय कहा जा सकता है दोस्तों। बात कर लें 113 नंबर की, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 114वें की बात कर लें तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन को ऐसा कोई स्पेशल नाम मैंने नहीं सुना, इस वजह से। 115 नंबर का आपको ऑल्ट की कोड्स की बात हो रही है, कॉ लिखने, क्री क्रॉ लिखने के लिए, मैं क्री का बताया हुआ था अभी कुछ दिन पहले अपने टाइपिंग वीडियो में, इसका आंसर होता है दोस्तों ए, ऑल्ट प्लस 216। बात कर लें 116 नंबर की, तो 116 नंबर का उत्तर होगा दोस्तों आपका एक, ठीक है। ये सारी कितने स्पेस छोड़ने, क्या इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा कल, इसलिए मैंने कहा स्पेशल वीडियो आ रही है। 117 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी,
और अगर 118 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आप करके देख सकते हैं, ऑप्शन डी। वही बात कर ले 119वें के, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। और बात कर ले 120 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए 16। अब जैसे वर्णमाला हिंदी वगैरह की बात है, ये तो बेसिकली टाइपिंग से नहीं हुआ, बट फिर भी उन्होंने डाल दिया है, तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ट्रिकी, और क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए जैसे कि आप प्रोफेशनल को पढ़ा रहे हो, तो ये प्रोफेशनल टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, आप जितना पढ़ रखा है अच्छा है, आगे भी पढ़ो, बाकी कंफ्यूज नहीं करना है और मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी जिसने टाइपिंग की बुक ली, अच्छी बात, नहीं ली कोई घबराने की बात नहीं, मैं कल वीडियो बना रहा हूँ, जो बुक्स में दी है सेम वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी बुक्स की फोटोज के साथ, और उसे पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे वीडियो का इंतजार करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पता लग सके और वो भी, उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि आप अगर हेल्प करोगे तो उनका भी भला हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आ गए प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।